जिला दिव्यांग पुनर्वास प्रबंधन समिति के कार्यों की समीक्षा को लेकर डीएम पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान डीएम ने डीडीआरसी के नोडल अधिकारी को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। समिति के प्रस्तुत प्रस्ताव की स्वीकृति को लेकर जिला अधिकारी ने कहा कि कार्यों में प्रगति लाने के उपरांत ही प्रस्तावों को प्रस्तुत करें। साथ ही जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को निर्देश दिए कि डीआरसी में रिक्त पड़े 8 पदों को नियम अनुसार प्राथमिकता के आधार पर भरे। वहीं नोडल अधिकारी की योजनाओं का प्रचार प्रसार में एक सेतु के रूप में कार्य करने के निर्देश दिए। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। इसमें जो डीडीआरसी की बैठक थी उसमें उनके स्टाफ की कमी जो बताई गई थी, तो मेरी तरफ से निर्देशित किया गया कि नियमानुसार स्टाफ या वैकेंसीज को फिल किया जाए, और साथ ही कोटद्वार और श्रीनगर में भी दिव्यांगों के लिए जो भी हमारे डीडीआरसी के सेंटर्स बनने हैं, फिजियोथेरेपी और चीज़ें स्टार्ट होनी, उन्हें देखा जाना है। सिमिलरली आरबीएसके के साथ में बात करते हुए जो प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर्स या डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाना है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे दिलवाया जाना है, एम्प्लॉयमेंट को लेकर क्या योगदान दिया जा सकता है डीडीआरसी की तरफ से, उन सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।